नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कृषि विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम तथा कृषि अभियांत्रिकी के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि खेती के विविधीकरण के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार प्रयास करें। इस वर्ष सभी जिले में धान का क्षेत्रफल घटा है, इसकी तुलना में दलहनी और तिलहनी फसलों का क्षेत्र बढ़ा है। गत वर्ष की तुलना में गेहूं का क्षेत्रफल 80% तक रहने के प्रयास करें। खेती के विविधीकरण के लिए किसानों को लगातार जागरूक करें। किसानों को सरसों, मटर, अलसी, तोरिया जैसी लाभदायक फसल के लिए प्रेरित करें। इनके उन्नत किस्म के बीज प्रत्येक जिले में समय पर उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने कहा कि गिरदावरी में फसल विविधीकरण का डाटा अवश्य दर्ज कराएं। खरीफ की फसल में मक्का, ज्वार, कोदो आदि की फसल बड़े पैमाने पर ली गई है। बीज विकास निगम सभी बीज समितियों के बीज सत्यापित करके उसके वितरण की व्यवस्था करें। हर जिले में हर वर्ष कम से कम 15% बीज प्रतिस्थापना का प्रयास रखें। प्राकृतिक खेती के लिए संभाग में 5,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इनके द्वारा ली जा रही फसलों का विवरण भी दर्ज कराएं। कृषि अभियांत्रिकी के प्रभारी अधिकारी सभी जिलों में कम से कम एक कोदो की दराई की यूनिट स्थापित कराएं। अच्छे कस्टम हायरिंग केंद्रों की सफलता की कहानी जारी करें। विभाग की गतिविधियों का जन संपर्क विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं। बैठक में सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी ने बताया कि खेती के विविधीकरण के लिए पूरे संभाग में प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। सरसों, अलसी, मसूर, चना तथा मटर के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी जिलों में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। आगामी एक सप्ताह में रीवा, सतना तथा सिंगरौली में खाद की 4 रैक पहुंचने वाली है। खाद बीज के नमूने लेकर लगातार जांच कराई जा रही है। रीवा जिले में अनियमितता बरतने पर 4 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विपणन संघ के पास 2,422 टन डीएपी तथा 4,872 टन यूरिया उपलब्ध है। बैठक में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी ने कोदो तथा कुटकी की प्रोसेसिंग के संबंध में सुझाव दिए। बैठक में प्रभारी अधिकारी विपणन संघ शिखा सिंह वर्मा, उपसंचालक सतीश निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।